पुरांतकारी भानुः शशी भूमिसुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। मित्रों, एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन के इस कार्यक्रम में आजकल हम नक्षत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, करा रहे हैं, या कह सकते हैं कि नक्षत्रों की गुण गाथा का ज्ञान हम प्रचारित प्रसारित करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब आज की कड़ी हम 20वें नक्षत्र तक बात कर ली है, अब है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जिसका सीक्वेंस नंबर 21 आता है, 21। 27 नक्षत्र आप जानते हैं, तो 21वें नक्षत्र पर हम पहुंच गए हैं, उसी की आज हम गाथा का गान करते हैं। जो सीक्वेंस है, जिस सीरियल से स्टेटस से हम इसको बाँचते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, उसी मेथड को लेंगे। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी, ग्रहों के राजा, पिता के कारक स्वयं सूर्यदेव हैं। सूर्य भगवान अर्थात सूर्य उसके स्वामी हैं। किसके? उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। ये तो मित्रों आप सारे जानते ही हैं कि हर ग्रह को, नौ के नौ ग्रहों को तीन तीन नक्षत्रों का स्वामित्व मिला हुआ है, अर्थात तीन नक्षत्र के स्वामी एक पर्टिकुलर ग्रह है, वो डिफाइन किया गया अलग अलग। चलिए, अब इसका जो आकार है उत्तराषाढ़ा का, बृहद संज्ञा का बड़ा आकार माना गया है ना। और ये कैसे बनता है? दो तारे इस तरह से बने हैं गैलेक्सी में, जोडियक में, भचक्र में, जिसकी जो लाइट आती है उसे चारपाई के पाए जैसे दिखता है। नीचे ऐसे देखते चारपाई है, जो रेडीमेड बेड नहीं, जो पुरानी चारपाई बांध किया, निवाल किया, बुनी हुई होती थी, उस चारपाई के पाए की जैसी आकृति दिखती है। और जैसे नीचे का हिस्सा उसका चौड़ा होता है, फिर बीच में नीचे का हिस्सा पाए के नीचे इसका चौड़ा है, बाकी थोड़ा सा खरा सा पतला होते हुए इस तरह की आकृति उसकी बनती हुई ऐसा लगता है कि चारपाई का पाया है, लेकिन वो चक्र में चमकते हुए दो सितारों से ऐसी आकृति अतः ही स्वतः ही बनती। और कालपुरुष की कुंडली की बात करें, हमारे शरीर के अंग में जो हमारी पीठ में रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी में इस नक्षत्र का स्थान है। और इसका जो वृक्ष है वो कटहल है, कटहल का फल जो लगता है उसकी हम सब्जी भी खाते हैं, और जब वो पक जाता है तो खाने में मीठा भी होता है, लेकिन कच्चा जब होता है चिपचिपा होता है, उसका जो गोंद है वो चिपकता है, पकने के बाद नहीं चिपकता। और इसकी जाति जो है मित्रों वो क्षत्रिय जाति है, किसकी? उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की। सूर्य की जाति जो है वो अलग हो सकती है, सेम हो सकती है, अर्थात जो जिस उसके स्वामी हैं उसकी जाति एक भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, लेकिन इस नक्षत्र की जाति क्षत्रिय। और इनकी जो कलाकारी है, कोई भी चित्रकारी है, उनमें इन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की मास्टरी होती है। अब किस जातक की मास्टरी होगी वो मित्रों डिपेंड करेगा कि वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से किस तरह प्रभावित हो रहा है, और किस तरह प्रभावित हो रहा है वो लग्न का नक्षत्र, चंद्रमा का नक्षत्र, शुक्र का नक्षत्र, या और किस ग्रह का नक्षत्र उस समय जन्म के समय विद्यमान था, उसके अनुसार उसका आकलन होगा। हाँ, उसके लिए योग ज्योतिषी से किसी विचार विमर्श करना ही चाहिए। और तो चित्रकारी के काम है, चित्रकारी में किसी भी आर्ट के काम में वो निपुणता प्राप्त करता है, अच्छा आर्टिस्ट बनता है। और ऐसा जातक जातिका जो है स्वच्छ साफ सुथरे वस्त्रों के शौकीन होते हैं, और इनको मान सम्मान भी मिलता है। मान सम्मान स्वच्छता वाली है, चित्रकारी वाले हैं, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य उसके स्वामी हैं, तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा तो मिलने की संभावना प्रबल है ही, ऐसा इंडिकेट होता है। और ये जातक जातिका बोलने में, भाषण देने में, भाषण कला में निपुण होते हैं, अच्छे वक्ता हो सकते हैं, प्रोवाइडेड बुध का भी या दूसरी भाव का, द्वितीय का भी, गुरु का भी, उसको हमको आकलन जॉइंटली सेवरली सेपरेटली करना ही होगा, वो काम किसी योगी ज्योतिषी का ही मित्र है। और इनका जो शरीर सौष्ठव है, हृष्ट पुष्ट है, कमजोर नहीं होते, मजबूत, बहुत थुलथुले भी नहीं लेकिन मजबूत शरीर। और जो ब्रेन लेवल है, बुद्धि है,
अच्छे स्तर की बुद्धि है, श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ का मतलब है नेगेटिव नहीं, श्रेष्ठ बुद्धि या अधिक हाईली इंटेलिजेंस है। एक जो बम बनाने वाले हैं, क्रूर कार्य करने वाले, वो भी है, लेकिन पॉजिटिव वे में अच्छे कार्य करने में अच्छी बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि लिए हुए होते हैं। ये कौन से? उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जिनका है। और लेकिन अभिमानी है, गुस्सा आ जाता है। और कंपेरेटिवली यदि शनि महाराज अष्टम अष्टमेश की पोजिशन खराब हो तो ये अल्पायु भी होते हैं, आयु के लिए भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। और लेकिन ये झूठ बोलने वाले, इनकी टेंडेंसी भी होती है, असत्यभाषी मिथ्याभाषी भी होते हैं, और कोई भी बात को रोक कर, बातों को चबा कर, रुक रुक कर बोलने वाले। जो रुक रुक कर बोलेगा, रिथिंकिंग करेगा, तो बहुत ही परफेक्ट बोलेगा, या वो प्लान करके बोलेगा, रैंडमली जो बात कह देता है वो साफ दिल से निकल जाती है। जो रुक करके, डाइजेस्ट करके, पचा करके धीरे धीरे जो बोलते हैं उसका विचार ऐसे होता है। लेकिन ये इनकी जो इच्छाएं हैं बहुत बलवती होती है, प्रबल इच्छाधारी। और घरेलू काम करने में, घर से रिलेटेड या इंसान को जो भी कुछ चाहिए वो कार्य करने में इनको महारत होती है। किसी भी कार्य में ये निपुणता प्राप्त करते हैं, शुरू कर देते हैं तो। और इनका जो मित्र है, मित्रता है, मित्रों का समुदाय है, वो बड़ा तो होता है, अधिक मित्र तो होते हैं। और लेकिन वो जितने भी मित्र हैं ज़्यादातर वो संदेहास्पद होते हैं, वो जो हैं कहीं ना कहीं उन पर डाउटफुल डाउट रहता ही है, ऐसा करेक्टर होता है इनका भी और उनके मित्रों का भी। और कोई भी सक्सेस, सफलता प्राप्त करने के लिए ये उपाय भी करते हैं, रेमेडी भी करते हैं, और कभी कभी बाय हुक और क्रुक कैसे भी किसी भी कार्य को कर लेने में ये महारत होती है और उस कार्य को कर लेते हैं। और जो हमने बोलने के में निपुण कहा, हाँ, जिनकी वाणी जो है बहुत ही उच्च दर्जे की होती है, कोई इनके मन में क्या है जज करना मुश्किल है। बहुत उच्चता से ये अपनी वाणी से बहुत कुछ अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ, या अपनी तरफ अपने फेवर में उसको मोड़ लेते हैं, ट्विस्ट कर लेते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की बात इतनी, आने वाले नक्षत्र के बारे में फिर हम बात करेंगे। और तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।